पहन बना के नशा करवा देता था साथ अपने, पहन बना के उसको रोग लगा हुआ था लड़की को भी और लड़का तो आगे ही रोगी था। कभी मेरी भी बन जाती, कभी यदि बन जाती, कभी ओदी बन जाती। क्या नाम है भाई तुम्हारा? बिलाल। बिलाल, बिलाल तुम यहाँ पे कैसे पहुँचे हो? एक लड़की लेके आई है मैडम। लड़की क्या उड़ा के लेके आई है? नहीं बस पार्क च मिल पे ये, बस ओदे नाल नशा करन लग पे हैं ते अगो है मिले ने दो भाई। लड़की पार्क में तुम्हें मिल गई? भी नशा करती है मैडम जी। नशा कब से कर रहे हो? 15 साल। 15 साल 15 साल बनते हैं? हाँ जी 15 साल से नशा कर रहे हो। उम्र कितनी है? 24 साल। 25 साल में लगा हूं। किस यानी 11-12 साल की उम्र में लग गए थे? जी मैडम है। हाँ जी। किसने लगाया था नशे पे? बस उतने कोई भी नहीं आया सिर थे माँ प्यो थे बस। माँ बाप अब नहीं है? तब तो जिंदा थे ना? नहीं थे। तब भी नहीं थे? कितने बहन भाई हो? 4। सबसे बड़े हो? जी नहीं, मुझसे भी एक बड़ी है बहन। बड़ी बहन है? उसने रोका नहीं कभी? उसकी शादी कर दी है। यानी कि तुम बड़े हो घर में? जी 2 छोटे भाई हैं उनकी भी शादी कर दी है। सबसे पहले नशे पे किसने? खुद शादीशुदा हो? जी। बच्चे हैं? नहीं है। बीवी है घर पे? कहाँ है? अल्लाह जानता है कितने हैं मैडम। छोड़ के चली गई है नशे की वजह से? हाँ जी। अच्छा किसने लगाया था नशे पे? बस हाँ जी मुंडे जी बैठ के बजी हो। पहली दफा किसने दिया था? दोस्त ने दिया था, किसी जानने वाले ने, रिश्तेदार ने दिया था? पहली बार किसने दिया था और क्या दिया था पीने के लिए? पहले तो पीना से सिगरेट पीने हैं पके। सिगरेट ना होश में बात करो। 12 साल की उम्र से तुम नशे के आदी हुए, पहले तुम सिगरेट पीने लगे, फिर चर्च पीने लगे जी, और अब आहिस्ता आहिस्ता पाउडर भी पी रहा है। पाउडर भी पी रहे थे और अब आहिस्ता आहिस्ता आइस पे आ गए। हाँ टीके भी ला रहे हैं। टीके भी लगा रहे थे जी। अच्छा कितना खर्चा हो जाता था तुम्हारा रोजाना इस चीज पे? तकरीबन 1500-2000। इतनी कमाई थी जी? कमा लेते हो इतना और सारा नशे पे उजाड़ देते हो? शुक्र है अल्लाह का के हाथ मेरे आने ने वाले में काम करना पॉलिश था। हाँ इन्हीं हाथों से जिंदगी भी उजाड़ रहे हो जी। हाँ शर्मिंदगी नहीं होती? जिंदगी उजाड़ रही है बाजी। उनके दिल ही जीना है तो मरण दे दिल कर दिया जन्म तोड़ते। क्यों दिल टूट गया? मोहब्बत कर बैठे थे जितना कारपेट उन्हें ले आ गए ना झाड़ दी थी। बताओ खुल के बताओ अपनी कहानी, शायद वो सुन रही हो। सुन के तो रही है बहन। कैमरे चल रहे हैं ना, 22 करोड़ आवाम टीवी पे देखेगी तो सुन रही होगी वो भी। ढूंढूंगी ना लड़का एक मैडम जी उसके साथ में गया हूँ उधर पार्क जाके बैठने ठीक है नशा करने कॉलेज रोड पे उसे जाके मेरा 2-3 दफा मैं अगे भी उन्होंने जाना मैनू नहीं पता कि वह कुड़ी है जो मिले तो बाई चांस सामने सामना आया था फिर मेरे नाल टुरन लग पी उधरों लैके मैं इधर आया उधर झगड़ा होया उन्होंने लिया के इतने जाने दी तो छुटवाने अगो ऐ पा रही कह लगे कि तू लिया के साढ़े को सुट दी कि असी उन्होंने खुआ डे हैं। मैं कहा कोई किसी ने नहीं उसके साथ जो सारा मामला है मोहब्बत का चला इसमें तल्लक भी बना उसके साथ? हाँ जी। अच्छा कितने अरसे से तल्लुक था? तकरीबन 4 साल हो गए। हर तरह का ताल्लुक था जायज नजायज? यस हर तरह का था। उसको भी मोहब्बत थी तुमसे? हाँ जी। अच्छा वो भी नशा करती थी जी? दिखने में कैसी थी? कौनिया मेरिया वेलो ब्राउन जो दिया ब्राउन पेंसिल दे को ने मैं तो उन्होंने स्टेज बना दिया। शादी का नहीं सोचा उससे? शादी हो ना मैडम जी की करनी जिदा कोई दिल ही ना आए। अभी तो कह रहे मोहब्बत थी? मोहब्बत है ही लेकिन उन्होंने ले आंदा तो दिमाग ही नहीं काम करता। नशे इसके साथ हो गई थी। हाँ जी है?
हाँ जी। इसके साथ हर तरह का ताल्लुक था उसका? यस। क्यों भाई, अब तुम्हारी मशूक हो गई थी वो? मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं था, मेरी मशूक नहीं थी। मेरा वो भाई था जिसके साथ नशा करता था, उसके पास रहती थी, वो ही खिलाता पिलाता था। मतलब कि इस पे नेकी थी उसने की। अच्छा, उसने उसको क्या बना के रखा हुआ था घर में? मतलब कि बहन बना के नशा करवा देता था साथ अपने, खुद से जूं करता था उसको, बहन बना के नशा उसको करवा रोग था। लगा हुआ था लड़की को भी। अच्छा। और लड़का तो आगे ही रोगी था, तो ये नहीं, तीन तीन दिन चार चार दिन मिलते ही नहीं था उसको आगे, तो वो भाई उसको संभाल, ये नहीं मिलता था उसको जी, वो रोगी हुई भी थी। हाँ जी, वो भाई नशा करवा देता था। भाई तुमने तो मोहब्बत की दास्तान पहले खत्म कर दी है, उसने बहन बनवा के नशा करवाया। आप सुन रही हैं सारी आवाम? ऐ तो मैडम जी, तुम जाके तो लिखे आवे ठीक है सारा कुछ। वो कभी मेरी बीवी बन जाती, कभी ये बन जाती, कभी वो बन जाती, है कि चक्कर है। अच्छा फिर मेरे को मैडम जी बस छुरी निकली, उन्होंने निकला ही मेरे को। छुरी तुम्हें क्या, तुम तो पॉलिश का काम करते हो, छुरी फ्रूटों का काम करते थे, सब्जी का करते थे, छुरी क्यों थी तुम्हारे पास? छुरी उन्होंने कोल से ले ली, तारा छिल दे फिर फेरी कर दा इन। अच्छा फिर उसे छुरी नाली मेरे को मार गया। कैसे मारा तुमने? थलो उत्ते चढ़े हैं दीवार तो इटा मारी जाने, मैं उत्ते चढ़ गया, खून भाग रहा मुंह ते मेरा। फिर कैसे लगी थी? ऐसे मारी थी, ऐसे मारी थी, कैसे मारी थी? हां जी मारी जी, बस इशारा काट दी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, रोला पे आ गया उसे। तुम भाग गए? हां जी इन नाल। और तुम्हारी वो बीवी कहां गई जो कभी इसकी थी कभी तुम्हारी थी? नाली। कितने कितने दिन बाद ये सारा मामला बदलता था? आठ को दिन बाद मसलन। हर आठ दिन बाद? और ये कितने अरसे से चल रहा था, कितने सालों से? साल मेरे ना तो चार साल होने चल रहा ही। ए भाई जी तो बाद चो साल डेढ़ ही है। अच्छा अभी याद आती है उसकी? याद तो आनी, हाजिर इतने करांगे नु आएगी। हाजिरी? हाँ जी आएगी। जाजे के पेश होवांगे ते मसलन उंडे रहे भी नहीं, जेले जावांगे नहीं। अभी अभी नाले अभी मोहब्बत में उसकी याद आती है? याद तो फिर जाहिर बात है नहीं। पक्की मोहब्बत है? हैं जी। तुम्हें है उससे पक्की मोहब्बत? नहीं मेरे को नहीं है। तुम्हें नहीं है, खत्म होगी मोहब्बत? है ही नहीं थी, होनी कहां से थी। अच्छा तुम्हें है अभी भी? ए अपने कार नहीं जानदा सी वैसे ते। अच्छा हाँ जी, तो यही कह रहे मैडम जी कह रहे हैं। बड़ी बात है, तुम तो अपने घर नहीं जाते थे उसकी वजह से। मैंने आपको सारा रीजन बताया जिस वजह से मैं घर नहीं था जाता। वो तो होश में बता रहा है, तुम तो बड़े मदहोश होके बातें बता रहे हो। मैं अरे बाजी मैं कड़ा कोई नशा की था आज? अभी नहीं किया होगा, लेकिन तुम वो तो बड़ा पक्के पैरों पे बता रहा है कि मैं तो अपने अबू की वजह से घर नहीं जाता। हाँ जी अबू नु शुगर हुई, अम्मी नु फाला जो है, ये बाहर रह रहा है, ये उसकी वजह से नहीं जाता था। मेरी माँ होंगी, मैं बाहर आई जाता एक मिनट भी लाना तो मेरे अड्डे हुए थे भी। अभी तुम लोग यहाँ से छूट जाते हो अगर, हाँ जी ठीक है, तो फिर किसकी मोहब्बत होगी, वो तुम्हारी या इसकी? ये तो बाहर जाके पता लगेगा। अभी फाइनल नहीं किया जी? नहीं आपस में बैठ के कोई फाइनल करोगे? मतलब कि इसकी हुई है मैडम जी, वो इसकी हुई है, मेरे साथ ना है थी ना थे है, ये वो इसकी हुई है, इसको पता आगे किसको देनी है इसने। अच्छा इसको पता है, तुमने तुम्हें पता है फाइनल क्या करना है, किसके खाते में डालनी है? मेरे खाते में ना थी ना है, है? मेरे खाते में ना थी ना है। अच्छा शादी करोगे अभी बाहर निकल के? शादी मैडम जी की करनी उसी के साथ, मोहब्बत के साथ जी। इन सारी चीजों से क्या सीखा कि इतना रुले हो नशे की वजह से, कत्ल भी हो गया, अब मौत भी नजर आ रही है आगे, कुछ सबक सीखा है? जी मैडम। क्या सीखा है? नालो बेहतर मर जाना चंगा है। वालदैन की खिदमत करनी है, घर वालों की खिदमत करनी है। मेरा नाम शहरोज मैडम। शहरोज तुम क्या करते हो? जी मैं चिंगची चलवा रहा हूँ। कितनी उम्र है? होगी 20 साल। 20 साल। शनाख्ती कार्ड बना हुआ? शनाख्ती कार्ड बना हुआ लेकिन गुम गया। अच्छा तुम्हारी तरफ से मैं आती हूँ लेकिन मैं पहले इससे बात कर लूँ। जी ठीक। कब से नशा कर रहे हो? 2-3 साल हो गए। दो तीन साल जी। घर वाले हैं? घर वाले हैं। कौन कौन है घर से? मैं घर नहीं जा रहा, घर से बाहर ही हूँ। घर नहीं जाते जी? कितने अरसे से नहीं जा रहे? 2-3 माह हो गए हैं घर से बाहर हूँ। उससे पहले तो घर जाते थे ना? जी जी। घर में कौन कौन है? वालदैन है, कितने बहन भाई हो? 4 बहन भाई हैं। तुम छोटे हो सबसे? मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। शर्म नहीं आती सबसे बड़े हो के? तुम किस काम पे लग गए हो? बस मैडम कुछ अपने ही हैं जो नहीं चाहते हैं। कौन अपने हैं?
मेरी फुफो जान है जो जादू टूना करवाती है, मसलन के घर ना बसे। नहीं, तुम्हारी शादी होगी जो घर नहीं बसेगा। मसलन के मेरे वालदैन ही ना बसे। वालदैन ना बसे? हाँ जी। तो इसमें वालदैन को हम काम काज ही ना करें, दोनों भाई वेले रहे, लकारा रहे। अच्छा, चाह के भी ना कर सके काम। अच्छा, ये नशे पे तुम्हारी फुफो ने जादू टोना करके लगाया तुम्हें? जी जी बिल्कुल है जी। उससे पहले तुम नशा नहीं करते थे? जी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं था नशा, सादा सिगरेट भी नहीं था पीता मैं। अच्छा, तो ये फुफो ने जादू टोना करके जिस भूत को भेजा तुम्हें नशा पे लगाने के लिए, उस भूत का नाम क्या है? उस भूत का नाम नहीं, मेरा ना छोटा भाई गुम हो गया था मैडम जी। छोटे भाई को ना ढूंढते ढूंढते एक बापे के पास गए थे, उसके पास डिटेल मेरी सारी पहले से लिखी हुई थी। अच्छा, हम दोनों भाइयों की। अच्छा, फिर वो फुफो मेरी ने लिखवाई हुई थी, ये शुरू से ही चलता आ रहा है। जबकि मेरे वालदैन की शादी हुई है ना, तब से फुफो ने तुम्हें नशा सप्लाई करवाया था? नहीं बिल्कुल नहीं, फुफो ने जादू टोना करवाया तुम्हें जी। ठीक है, कोई भूत आता था नशा देने? भूत तो नहीं था, था बस मैं ही भूत बन जाता था। तुम भूत बन जाते थे कैसे? मुझे खुद ही नहीं मैडम समझ। क्या करते थे भूत बन के? मतलब कि ये नशा ही है? नशा ही, खाली नशा, भूत बन के नशा करते थे जी। क्या हवा में उड़ने लग जाते थे? समझ नहीं लगती थी मैडम जी, हवा में उड़ना था क्या? हवा में उड़ते थे कैसे? नशा ही करता था बस मैं मैडम जी, हवा में नहीं था उड़ता। अच्छा, अभी तुम एक बाबे का जिक्र कर रहे थे, वो कौन है? वो बताने मेरी फुफो ही करवाती हैं, जो भी करवाती हैं उनसे। मैं ना बाहर भी जहाँ रह रहा हूँ ना, दो तीन दफ़ा वो आई हैं वहाँ पे, दालें शालें पता नहीं क्या क्या फेंक के गई हैं, मैंने खुद ही अपनी आँखों से देखा है। बड़ा दिमाग चल रहा है तुम्हारा, तो इतना दिमाग चलता है तो नशा छोड़ दो, वहाँ दिमाग नहीं चलता। मैडम छोड़ा हुआ, छोड़ने की कोशिश कर रहा था, छोड़ा हुआ था। मैं वो भाई के साथ बैठा हुआ था जो फोत हो गया ना, उन भाई के साथ था। ये भाई अचानक से आए हैं, ये दोनों उनके साथ झगड़ पड़े हैं, ये इन भाई ने उनको मारा। वो तो मैं सुनती हूँ सारा मामला क्या है। तुम अभी एक बाबा जी का जिक्र कर रहे थे जी, वो कौन है? वो फुफो को पता है मेरी को। तो तुम क्या करने गए थे? मेरी वालदा गए थे उनके पास। तुम्हारी वालदा भी जाती होंगी वहाँ? मेरी वालदा, मेरे छोटे भाई गुम हो गए थे, हफ्ता डेढ़ से मिल नहीं थे रे, तो वो फिर गए थे फुफो। फिर मिल गए जी भाई? बाबा जी बड़ी पहुंची हुई सरकार थे हैं जी, उन्होंने कहा था आ जाएंगे। अब वो दो तीन दिन में ना मेरे भाई आ गए। आ गए तो तुमने वहाँ पहले से डिटेल जो देखी, अगर वो बाबा जी वो मेरी मामा ने देखी थी, मैंने नहीं देखी। तो हो सकता है उन्होंने पहले खुद ही अंदाजा लगा लिया, अगर इतने वो पहुंचे हुए बाबा जी थे तो। नहीं, मेरे पे ना पहले पर्चा था एक। अच्छा, वो किस चीज का? सारा लिखा हुआ था, वो 377 का झूठ ही हुआ हुआ था। वो क्या किया था तुमने? कुछ भी नहीं किया ही नहीं था, कुछ भी नहीं था किया। आवाम को 377 का पता नहीं ना, तुम्हें तो पता है, जरा बताओ। वो जब पर्चा हो जाए अब तो पता चल ही जाता है मैडम जी, पर्चा हुआ था। पर्चा ही हुआ था। किस चीज का? 377 का। 377 में क्या किया था? मैंने कुछ भी नहीं था किया। जिन्होंने पर्चा किया था उन्होंने क्या लिखा था पर्चे में? मैं अनपढ़ हूँ मैडम जी, पढ़ा नहीं हूँ। बस तुम्हें 377 का पता है? ये पता, 377 का पर्चा हुआ था। अच्छा 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 अच्छा, सही सही। वो भी जादू टोने से हुआ था? पता नहीं, वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि इतने में सुलह हुई, इतने में ये हुआ, सारा कुछ बाबे के बाद लिखा हुआ था ये। अच्छा, तो 370 का जो पर्चा है उस पे जिस मुलजम पे इल्जाम लगता है, अभी तुम्हें पता ना कि तुम क्यों कह दो, तो तब भी पता ही होता है कि मेरे पे पर्चा किस चीज का हुआ। नहीं, मैं नादान था तब जब पर्चा हुआ था मेरा। कितनी उम्र में हुआ था? 14-15 साल की उम्र में हुआ, छोटे थे तब जी। अच्छा, फिर जादू टोने को कहाँ तक पहुँचाया तुम्हारे घर को उन्होंने? अभी तक उजड़ा ही हुआ है घर, घर बसा नहीं है। सिर्फ तुम उजड़े हो, बाकी सारे भी नशे पे लग गए? मसलन के घर पूरा ही उजड़ा हुआ है। हमारा ना घर बन रहा था, लेंटर रह गया था, लेंटर के पैसे जो थे मेरे पे पर्चा हो गया, पर्चे के ऊपर सारे पैसे लग गए। बाहर आया कमाई करने लगा, कमाई भी नहीं करने दी, मसलन के अच्छी खासी की, दो तीन तीन माह की। तुम्हारी पुप्पो ने तुम लोगों के घर पे वो करवाया जादू टोना, तो जादू टोने में तुम्हारे अलावा और भी कोई नशे पे लगा? मसलन के मेरा, मैं जो पूछ रही हूँ, नशे पे और कोई नहीं लगा। छोटा भाई था वो काम नहीं कर रहा, कोई भी काम कार नहीं कर रहा, करता ही नहीं काम, दो तीन दिन जाएगा उसके बाद फारिग, काम। अच्छा, करने ही नहीं। अच्छा, तो वाला साहब अकेले हैं, वो शुगर के मरीज हैं। मैं घर मुझे वेला देख के वो परेशान होते हैं, जिसकी वजह से मैं घर नहीं जा रहा। घर नहीं जाते? तो बाहर रह के क्या करते हो? कुछ भी नहीं। मैं कहाँ रहते हो? ये भाई मैं टाली वाले गले में रहता हूँ, पसरूर रोड। हाँ, सोते कहाँ पे हो? जहाँ जगह मिल जाए भाई। कैसे सोते हो बाहर? कोई कपड़ा, चादर, जमीन, किस तरह सोते हो? कुछ चादर है भाई, पास वो लेके सो जाता। सो जाते थे। खाना कैसे खाते हो? खाना मांग के किसी से भी खा लेता। अच्छा,
और नशा कैसे पूरा करते हो अपना? नशा वो भाई जो फोत हो गए वो करवा देते थे, वो करवा देते थे जी। है? आज की दुनिया में इतना कोई सज्जन है किसी का कोई नशा करवा दे? जी मैडम वो भाई करवा देते थे। सही सही सही। नशे पे तुम्हें जादू टोने ने लगाया, तुम्हारा कोई इसमें अमल दखल नहीं है? मेरा अमल दखल होगा मैडम, मैं नशे पे लगा हूँ, मेरा ही अमल दखल है, लेकिन घर नहीं बस रहा ना, ये जादू टोने का मसला। अच्छा 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 अच्छा। पहली दफा नशा कैसे किया था? वैसे दोस्त के साथ बैठ के किया था। क्या कहा था उस दोस्त ने? कहा था पियो कोई बात नहीं कुछ नहीं होता है जी। बड़ा हंस के बता रहे हो? नहीं हंस के नहीं बता रहा मैडम, ये मजा आया था? मजा आया था, अभी तक मजा वो ले रहा हूँ मैं। अच्छा, वो अभी तक मजा चखा जा रहा है वो। अच्छा सही, मजा चख रहे हो? नहीं वो मजा ही है मैडम जी के, जलील हो गया हूँ मैं, रुल गया हूँ वो। पहली दफा जब पिया था तो चक्कर आए थे? चक्कर तो नहीं, चकमा आया था। चकमा आया था? चक्कर नहीं आया, चकमा है।